हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब पे बहुत दिन बाद हम लोग का लाइव इंटरेक्शन होने जा रहा है। साहिल हाउ आर यू? आई एम ऑल राइट साहिल, ओके ओके। चलिए अभी हम लोग एनिमल किंगडम देखने जा रहे हैं। आज हम लोग एनिमल किंगडम देखने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम में जो जो टॉपिक्स आपको देखनी है वो आपको सिर्फ दो टॉपिक देखनी है। सबसे पहला देखना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और जो दूसरा देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो बड़ा चैप्टर है ये, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। इसमें दो बातें जाननी है, पहला जानना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा एनिमल किंगडम, है ना। तो आप याद रखिएगा कि अगर हम बात करें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो याद रखिएगा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो पहला पॉइंट है, उसमें चार बेसिस हैं। कितने बेसिस है भाई? चार, फोर बेसिस। वी आर गोइंग टू सी फोर बेसिस। आवाज आ रही है बच्चों? एक बार हेलो कर दो सब लोग। अनुराग सिंह सिंगर, आग लगा दीजिए सर जी। अरे यार आग लगा दीजिए, सब जल जाएगा यार। कल मैं लंबी क्लास लूंगा, पहले से अनाउंस नहीं करूंगा बट मेंटली प्रिपेयर रहिए, कल मैं लंबी क्लास लूंगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं भाई। सुमित मौर्य हेलो, अनुराग ओके सर, चलिए गुड। प्रवीण प्रवीण मौर्य, अनुज ऐप पे दिक्कत हो रही थी, चलिए यूट्यूब पे पढ़ते हैं। स्टार्ट कर दिया जाए भाई लोग। बिल्कुल, अब सुनिए ध्यान से, फोकस करिएगा। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम में हम चार बेसिस देखने जा रहे हैं। जो पहला बेसिस है याद रखिएगा, जो पहला बेसिस आपको जाननी है वो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स जाननी है। अरेंजमेंट ऑफ सेल ये देखिए दिया हुआ है, जो पहला बेसिस है वो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है। यानी पूरे चैप्टर में आपको चार बेसिस जाननी है। जो पहला बेसिस जानना है वो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स जानना है, मतलब पूरे फाइलम में, जो कि 11 फाइलम है, 11 फाइलम, 11 फाइलम सबको याद होना चाहिए। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी, हेलमिंथस, एस हेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और क्वाडेटा। याद रखिएगा पोरीफेरा से लेकर क्वाडेटा तक, पोरीफेरा से लेकर क्वाडेटा तक। मैं फिर कह रहा हूं केवल चार बातें जाननी है, समझो। तो जो चार बातें हैं उसमें सबसे पहला जो बात है अरेंजमेंट ऑफ सेल, जो दूसरी बात है वो बॉडी सिमेट्री, जो तीसरी बात है नेचर ऑफ सिलोम, और जो चौथी बात है पैटर्न ऑफ सिस्टम्स, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या सर्कुलेटरी सिस्टम हो, जो सिस्टम हो। इसका मतलब आपको पूरे 11 फाइलों में चार बातें जाननी है। अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल की, सेल की व्यवस्था कैसी है, सेलुलर लेवल है कि टिश्यू लेवल है, कि ऑर्गन लेवल है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है, कि कौन सा लेवल है, समझिए। आप देखेंगे यहां पर आपको मैं सीधे एक चीज लेके चल रहा हूं। आपको सारी चीजें एक बार में हम पूरा समराइज करके फिर चैप्टर में जाएंगे। एक बार तेजी से हम एक चीज दिखाना चाह रहे हैं आपको कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। ये दिस इज द रीजन, आइए, दैट्स व्हाई आई एम स्क्रॉलिंग दिस। देखिए पूरे चैप्टर में आपको जो जो फाइलम्स पढ़ने हैं वो ये फाइलम दिए हुए हैं। पहला जो है आपको पोरीफेरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोरीफेरा।
Porifera, Coelenteta, Tenophora, Platyhelminthes, Aeschylmynthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, Hemichordata और क्या पढ़ना है Chordata, तो कितने टोटल फाइलम है 11, 11 में सबसे पहली जो जाननी है आपको वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है पोरिफेरा में क्या है सेलुलर लेवल, पोरिफेरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा क्या है सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेवल याद रखिएगा। और जो पोरिफेरा है इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ सेल या बोलते हैं लूज एग्रीगेट ऑफ सेल, इसमें कोई टिश्यू नहीं था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन हम बात करें सीलेंड्रेटा की, सीलेंड्रेटा 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 उसके बाद सीलेंड्रेटा सीलेंड्रेटा और टीनोफोरा, इसमें जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सीलेंड्रेटा और टीनोफोरा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि प्लेटीहेलमिंथस में ध्यान दीजिए, जो प्लेटीहेलमिंथस है स्पेशली उसमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, प्लेटीहेलमिंथस में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। लेकिन हम बात करें एस्केलमिंथस से लेके कॉर्डेटा तक तो सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, पोरिफेरा में क्या हो गया सेलुलर, सीलेंड्रेटा टीनोफोरा में क्या है टिश्यू, और प्लेटी में क्या है ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, एस्केलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक क्या है ऑर्गन सिस्टम। तो आपने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात करें सिमेट्री की, सिमेट्री की अगर बात करें तो पोरिफेरा में जो सिमेट्री देगा मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं, और सिमेट्री क्या होता है वेरियस, पोरिफेरा में सिमेट्री कैसी होती है वेरियस और सिमेट्रिकल है ज्यादातर, तो कई तरह का। इसी में एक मेंबर है ल्यूकोसोलोनिया, ल्यूकोसोलोनिया में जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है रेडियल होती है, कौन सी होती है रेडियल याद रखिएगा। हाँ सिलेंड्रेटा में देखिए कौन सी है रेडियल, टीनोफोरा में क्या है रेडियल, और प्लेटी से लेके कार्डेटा तक जो सिमेट्री है वो क्या हो गई बायलेटरल, क्या हो गई बायलेटरल समझ लीजिए। इसका मतलब आपने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद देखिए बॉडी सिमेट्री, उसके बाद बात करते हैं सीलोम की, सीलोम क्या होता है बॉडी कैविटी, सीलोम क्या होता है भाई बॉडी कैविटी, सीलोम क्या होता है बॉडी के कैविटी को हम क्या बोलते हैं सीलोम। तो आप देखोगे पोरिफेरा में सीलोम नहीं होता, याद रखिएगा सीलेंटेटा में भी नहीं है, टीनोफोरा में भी नहीं है, प्लेटीहेलमिंथस में भी नहीं है, यानी पहले जो एक दो तीन चार फाइलम है उसमें कोई सीलोम नहीं है। जबकि हाँ याद रखिएगा जो जो सीलोम है वो एस्केलमिंथस में स्यूडोसीलोम, ये बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्या स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना स्यूडोसीलोमेट किस फाइलम में है एस्केलमिंथस, उसके बाद एनेलिडा से लेके कार्डेटा तक। अगर बात करें एनेलिडा से लेके कार्डेटा तक तो इसमें याद रखिएगा सीलोम पाया जाता है, याद रखिए सीलोम एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक ये क्या पाया जाता है सीलोम, सीलोम का मतलब था बॉडी कैविटी। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसके जो बॉडी के लीवर किडनी हार्ट ये सब छोटे होते हैं, जब एज बढ़ती है तो ये ऑर्गन भी बढ़ते हैं, तो शॉक एब्जॉर्बर का जो काम होता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम हमारे बॉडी में जो कैविटी करती है, हम लोग के बॉडी में दो कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करने के साथ साथ जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन है उनमें जरूरत पे क्या है वो एक्सपेंड कर सके और कॉन्स्ट्रिक्ट कर सके। अदरवाइज अगर मान लो अंदर जगह ना हो लीवर किडनी हार्ट को प्रॉपर होल्ड करने के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सीलोम क्या मतलब होता है क्या कैविटी बॉडी कैविटी, अभी हम डायग्राम बना के देखेंगे। तो आपने देख लिया कि पहले सबसे पहले देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर देख लिया सिमेट्री, फिर देखा सीलोम। अब हम बात करें सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का एक ट्रिक याद रखना कि पूरे फाइलम में 11वें फाइलम में सेगमेंटेशन कहाँ होता है, एक ट्रिक याद रखना ए स्क्वायर सी, ऐसे याद रखना ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेटा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये देखिए एनेलिडा आ गया आपका, ये आर्थ्रोपोडा आ गया, ये क्या आ गया कॉर्डेटा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इसमें ये देखिए ये प्रेजेंट, ये देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट और यहां देखिए प्रेजेंट, यानी सेगमेंटेशन तीन फाइलम में होता है एनेलिडा में आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। बता दो कितने फाइलम में सेगमेंटेशन होता है तीन, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, एक बार और एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा याद करना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, आप देखिए आपने सबसे पहले देख लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर देख लिया सिमेट्री, फिर देख लिया सीलोम, फिर देख लिया सेगमेंटेशन। अब हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, गेट इट,
पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, याद रखिएगा पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, जबकि सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में और प्लेटिहेलमिंथस में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, याद रखिएगा इस बात को अपने बिल्कुल जहन में उतार लीजिए। वह कौन से फाइलम है जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, रटने वाले बच्चे रट लेंगे, केवल प्लेटी, ऐसे ध्यान रखना प्लेटी के साथ साथ टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटिहेलमिंथस, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट कहां होता है भाई, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथस। अब याद रखिए एस्केलमिंथस से लेके क्वाड्रेटा तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ माउथ एंड एनस, फॉर बोथ माउथ एंड एनस, और बोथ माउथ और एनस एक ही रास्ते से फूड और क्या है फीकल मैटर दोनों डिस्चार्ज होता है। सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ माउथ एंड एनस, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम बात करें आपसे क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखिएगा पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम एनलिडा में आया है, इस बात को गौर फरमाइए, पहली बार जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया है वो कहां आया है, एनलिडा में। ये देखिए एनलिडा के पहले सब में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। एनलिडा के पहले सब में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरे 11वें फाइलम में, पूरे 11वें फाइलम में तीन जगह ऐसा है जहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरे 11वें फाइलम में तीन जगह ऐसा है जहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए वो तीनों जगह कौन कौन से हैं, वो तीनों जगह कौन कौन से हैं जवाब दीजिए। चलिए डेली क्लास होगी सर, अभी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो यार, किसी का जवाब नहीं आया। पूरे 11 फाइलों में तीन जगह क्लोज सर्कुलेशन, अनुज नहीं है, अनुज कुशवाहा कहां चले गए, अनुज बताओ भाई, वेरी गुड उमेश शर्मा, एनलिडा, एनलिडा मलस्का, हाँ गेस्ट बड़ा गलत हो गया, उमेश शर्मा गलत हो गया भाई, गलत हो गया। पूरे सर्कुलेट, पूरे एनिमल किंगडम में तीन जगह क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, पहला तो सबका सही आ रहा है एनेलिडा, 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 जो दूसरा है वो सिफेलोपोडा मनस्का है, ये ध्यान दीजिए सिफेलोपोडा मनस्का, सिफेलोपोडा मनस्का, सिफेलोपोडा मनस्का, जो मनस्का का सिफेलोपोडा है, कृपया ध्यान दें, सिफेलोपोडा, लोग गैस्ट्रोपोडा बता रहे थे, ये सिफेलोपोडा है याद रखिएगा, सिफेलोपोडा मनस्का। और जो तीसरा है वो क्या है, क्वाड्रेटा है, तीसरा क्या है, क्वाड्रेटा है। एनेलिडा, सिफेलोपोडा मलस्का और क्वाड्रेटा, यहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है याद रखिएगा। तो आपने देखा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहां कहां पाया जाता है, अगर ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बार जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आता है आपके आर्थ्रोपोडा में, इस बात को ध्यान दें। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये देखिए, ये देखिए एनेलिडा तक एब्सेंट है पूरी तरह से, ये देखिए पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटिहेलमिंथस एस्केलमिंथस तक रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट है, एनेलिडा में भी नहीं पाया जाता है। पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है कहां, आर्थ्रोपोडा में, इस बात पे गौर फरमाइए, पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये देखिए कहां आया है, आर्थ्रोपोडा में, ध्यान दें। और पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम कहां आया, एनलिडा में, और वो भी क्या था, क्लोज। पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कहां आया है, याद रखिएगा आ तो सीलेंट्रेटा में ही गया था, लेकिन सीलेंट्रेटा टीनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथस में क्या था, इनकम्प्लीट। और पहली बार एस्केलमिंथस में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया, याद रखिएगा कोई भी बदलाव धीरे धीरे होता है, अगर हो जाता है तो आगे तक कंटिन्यू होता है, इस बात को ध्यान दीजिए।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया टोटल 11 फाइलम एपोरी वेरा सीलन डेटा टीनो फोरा प्लेटी हेविन दी रथ केलविन दिस एनेलिडा तो बड़ा मलस्का एक गैनोडर मेटा हेनी कोटेटा क्वाटेटा धारा प्रवाह याद होना चाहिए। पूरे 11 फाइलम में कितनी बातें जाननी है? चार बातें जाननी है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स वहीं के चिल्लाओ जहां बैठे हेडफोन लगा के। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स यानी सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है? सेलुलर लेवल है कि टिश्यू लेवल है कि ऑर्गन लेवल है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है? क्या है पोरीफेरा में? क्या है सेलुलर लेवल? सीलेंट डेटा में टिश्यू लेवल? टीनोफोरा में टिश्यू लेवल? प्लेटी में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम दोनों है? याद रखिएगा, ज्यादातर प्लेटी में क्या है? ऑर्गन। हायर प्लेटी में क्या है? ऑर्गन सिस्टम। और लेके कागेटा तक सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हमने क्या बोला? पूरे 11 फाइलों में कितनी बातें जाननी है? चार बातें। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में भर लो, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। बॉडी सिमेट्री में याद रखिएगा, बॉडी सिमेट्री एक ट्रिक याद रखना, जेब्रा वही तो चिल्लाओ। क्या है ट्रिक याद रखना? जेब्रा। जेड का मतलब क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, और जाइगोमॉर्फिक का ही दूसरा नाम है बाइलेटरल। बताओ जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम क्या है? बाइलेटरल। एक बात समझिए, हमने कहा एक ट्रिक दिया आपको, क्या? जेब्रा। समझ लीजिए, यहां पे एक चीज समझ लीजिए, हमने क्या है आपको एक चीज समझा रहे हैं। कहां गया भाई? समझो इस बात को। हमने कहा ऐसे जेड जेड बी आर ए जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का नाम क्या है? बाइलेटरल। जाइगोमॉर्फिक का क्या नाम है? बाइलेटरल। अगर किसी बॉडी को दो बराबर भागों में बांट दिया और सिर्फ एक प्लेन पे बांटे तो ऐसी सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल होती है। लेकिन अगर बॉडी को दो बराबर भागों में बांट दिया और सुनो मोर देन वन प्लेन पे बांट दिया, मोर देन वन प्लेन पे बांट दिया तो उसको हम बोलते हैं रेडियल या एक्टिनोमॉर्फिक। उसी को बोलते हैं रेडियल या एक्टिनोमॉर्फिक। इस बात को ध्यान दें, रेडियल या एक्टिनोमॉर्फिक दो बराबर भागों में जाइगोमॉर्फिक में भी बांटते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक में भी बांटते हैं, लेकिन जो प्लेन ऑफ डिवीजन है यहां वन है, यहां क्या है? मोर देन वन, मोर देन वन एक से ज्यादा है। याद रखिएगा जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का कमेंट सेक्शन में जवाब दो। जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम क्या है भैया? पी गुलमोहर बीन केसिया मस्टर्ड धतूरा चिल्ली है, बॉटनी के एग्जाम्पल है। याद रखिए, हम लोग कहां जाए? जूलॉजी में पढ़ रहे हैं। 18 लोग देख रहे हैं, जरा सब लोग लाइक करिए, तेजी से रन करे, जो नहीं जान पा रहे उन तक भी पहुंच जाए। चलो भाई, 19 लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा हूं मैं, जल्दी आ जाओ। चलो बताओ जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम बताओ भाई। जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम बाइलेटरल। एक्टिनोमॉर्फिक का दूसरा नाम? एक्टिनोमॉर्फिक का दूसरा नाम क्या भाई? रेडियल। एक्टिनोमॉर्फिक का दूसरा नाम क्या है? रेडियल। तो आपने सिमेट्री देखा, पोरीफेरा में क्या था? वेरियस। सिलेंटेटा और टीनोफोरा में क्या है? रेडियल। प्लेटी से लेके कार्डेटा तक क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल। कितने जगह सिमेट्री चेंज होती है? दो जगह, मलस्कम के गैस्ट्रोपोडा में एक घटना घटती है, क्या बोलते हैं? टॉर्सन। और टॉर्सन के कारण बॉडी कैसी हो गई? असिमेट्रिकल। याद रखिएगा, यानी अगर आपसे कहें सिमेट्री कहां कहां चेंज हो रही है तो याद रखिएगा दो जगह चेंज हो रही है, मलस्का के कहां? गैस्ट्रोपोडा में। गैस्ट्रोपोडा में कौन सी घटना घटी? हम कहें आपसे कि जो मलस्का है, मलस्का, मलस्का में गैस्ट्रोपोडा है। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा क्या है? एक क्लास है। किसका क्लास है? मलस्का का। इसमें घटना घटती है, क्या बोलते हैं? टोर्सन। क्या बोलते हैं? टोर्सन। जो पुराने बच्चे हैं एक चीज ध्यान दें, ये टोर्सन सोलनेसी फैमिली में भी होता है। कौन सी फैमिली में होता है बेटा? सोलनेसी। इसीलिए सोलनेसी का जो प्लेसेंटा होता है सोलन होता है। देखो आलू टमाटर बैगन जिस फैमिली में आते हैं उस फैमिली को बोलते हैं सोलनेसी। सोलनेसी का प्लेसेंटा सोलन होता है। किस घटना के कारण? तो कहोगे सर जी टोर्सन। टोर्सन एनिमल किंगडम में भी होता है। कहां? मलस्का के क्लास में। क्या नाम है उस क्लास का? गैस्ट्रोपोडा। जिसके कारण उसकी बॉडी कैसी हो गई? असिमेट्रिकल। कैसी हो गई? असिमेट्रिकल। ऐसे ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में
बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन एडल्ट में कौन सी सिमेट्री हो गई? रेडियल। गाइनोडर्मेटा क्लारवा में कौन सी सिमेट्री है भाई? बाइलेटरल। ठीक है, तो आप तो इतना तो समझ चुके हैं भाइयों कि कहां से क्या हो रहा है। देखिए, तो आपने देखा कहां कहां गए, आज होम पे, होम पे चलिए सीधे एनसीईआरटी पहुंच गए हम लोग। अब देखिए, तो आपने सारी चीजें देख ली है। अब लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको ध्यान रखना है कि किसमें क्या हो रहा है? ये देखिए, पोरीफेरा में बहुत जरूरी है ये। पोरीफेरा में सबसे यूनिक क्या होता है? पोरीफेरा में सबसे यूनिक क्या होता है, इस बात को ध्यान दें। जो भी पोरीफेरा है इसको स्पॉन्ज बोलते हैं। देखिए, जैसे जमीन पे हमने घर बना रखा है, किसी की ऊंची ऊंची इमारतें हैं, घर है, अपना सब कुछ है, ठीक उसी तरह से समुद्र में पानी के नीचे एक बड़ी रंगीन दुनिया है। यह रंगीन दुनिया पोरीफेरा की है। इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल है। इसमें कई तरह की सिमेट्री पाई जाती है, याद रखिएगा। जनरली इसमें जो सिस्टम, जो इनके बॉडी में सीलोम तो नहीं पाया जाता, कैविटी पाई जाती है, सीलोम नहीं है वो, याद रखिएगा। इसमें सेलोम एब्सेंट है और सारे सिस्टम क्या है? एब्सेंट। पोरीफेरा में बताओ सारे सिस्टम क्या है? एब्सेंट। सिमेट्री कौन सी है? वेरियस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर। और इनकी जो पूरी बॉडी होती है, ये देखो, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल सिस्टम, याद रखिएगा। यहाँ पे इनकी जो बॉडी है, इस बात को ध्यान दीजिए, इनकी जो पूरी बॉडी है उसमें छेद है, बॉडी विद पोर। इनके पूरी बॉडी को देखोगे तो छोटे छोटे जो छेद होंगे उनको ऑस्टिया बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसे, ये देखिए इनका ये छोटे छोटे जो छेद है, यहां से पानी अंदर जाता है, इसको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ऑस्टिया कहां कहां पाया जाता है? ऑस्टिया कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए सारे लोग। ऑस्टिया, हमने कहा पोरीफेरा की जो बॉडी है उसमें पोर्स होते हैं। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूं, पोरीफेरा में ये जो ऑस्टिया पाया जाता है, सेम स्पेलिंग और कहां कहां है? जो जवाब होगा ये ऑस्टिया कॉकरोच के हार्ट में देखा जाता है, कॉकरोच के हार्ट में, और इवन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फेलोपियन ट्यूब देखते हैं, फेलोपियन ट्यूब में जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी, वहां पे भी जहां जो ओवम अंदर जाता है उसको भी ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया मतलब स्मॉल पोर, चाहे पोरीफेरा की बॉडी जनरल बॉडी सरफेस पे हो या कॉकरोच के हार्ट में हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख रहे हो, वहां भी ऑस्टिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑस्टिया। मुस्कान, कॉकरोच के हार्ट में, गुड। कॉकरोच के हार्ट के अलावा भी आप देख रहे हो फेलोपियन ट्यूब में भी पाया जाता है, जहां से ओवम ओवरी से जिस रास्ते फेलोपियन ट्यूब के एंटर करता है। देखिए, यहां से वाटर जाता है लेडन विद फूड पार्टिकल, अंदर जाएगा फूड पार्टिकल के साथ, और ये देखिए ऊपर क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। जो अंदर कैविटी है इसकी, इस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जियोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जियोसील, यानी पानी अंदर जाएगा ऑस्टिया से, किस कैविटी में? स्पॉन्जियोसील। किस रास्ते बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। तो आप समझ चुके हैं, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये जो आप देख रहे हो कैनाल सिस्टम, जो वाटर कैनाल सिस्टम है, जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में, याद रखिएगा। वाटर कैनाल सिस्टम कहां है? पोरीफेरा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां है? इकाइनोडर्मेटा में, याद रखिएगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वाटर कैनाल सिस्टम के कितने काम है? तीन, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। उसके बाद हम बात करें सिलेंटेटा, जिसको निडेरिया बोलते हैं। निडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल है। नीडोब्लास्ट सेल क्या होता है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल ऑफ एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम की सबसे जटिल कोशिका कहां पाई जाती है? सिलेंटेटा के निडेरिया में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू। सिमेट्री क्या है? रेडियल। सीलोम नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा। सिस्टम जनरली इनकम्प्लीट है इनके। इसमें सबसे खास बात, ये देखो नीडोब्लास्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल ऑफ एनिमल किंगडम,
मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे कॉम्प्लेक्स सेल एनिमल किंगडम की नीडोब्लास्ट सेल, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम टीनोफोरा की, किसकी बात करेंगे, टीनोफोरा की, याद रखिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कॉम्प्लेट, कॉम्प्लेट, कॉम्प्लेट किसके लिए होता है, लोकोमोशन, किसके लिए होता है, लोकोमोशन। फिर हम बात करेंगे किसकी, प्लेटी एपेंडिक्स की, इसकी जो बॉडी होती है फ्लैट बॉडी पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, सकर्स। इस बात को ध्यान दें, जो सकर्स होता है वो केवल पैरासिटिक फॉर्म्स में होता है, कृपया ध्यान दें, जो सकर्स होता है ये पैरासिटिक फॉर्म में होता है, पैरासिटिक। कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि प्लेटियल विंडिंग जो सकर होता है वो सकिंग का काम करेगा, नहीं, उसको सकिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, वो एंडोपैरासाइट होता है, जिस बॉडी में रहता है उसके आइसोटोनिक होता है, आसानी से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर लेता है। फिर सवाल ये उठता है कि प्लेटी एलिमेंट के सकर का क्या काम है, द सकर मीन फॉर अटैचमेंट नॉट फॉर सकिंग। अगर आपको याद हो, प्लेटी एलिमेंट, इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, और सीरोमेट होते हैं, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज होता है। इसमें एक्सक्रीटरी सेल को हम फ्लेम सेल कहते हैं, फ्लेम सेल जिसको सोलिनोसाइट कहते हैं, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं। ये एक्सक्रीटरी होता है तो हम चिल्ला के कह सकते हैं कि ऑस्मोरेगुलेटरी है, यानी रेगुलेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। याद रखिएगा, फ्लैट बॉडी और सकर किसकी पहचान है, प्लेटियम इन दिस, जबकि वो ऑफ एन वॉर्म शेप इलोंगेटेड बॉडी अगर है तो एस कैल्विटिस। देखिए, इसको हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, जबकि एस कैल्विटिस को हम राउंड वॉर्म करते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन कटने पे सर्कुलर आउटलाइन होता है। याद रखिएगा, यही वो फाइलम है जहां पे पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया विद वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, और यहां पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों को अलग से देख के पहचान लोगे। फिर हम बात करेंगे एनेलिडा की, एनेलिडा जिसमें बॉडी सेगमेंट में याद रखिएगा रिंग्स पाई जाती है, याद रखिएगा, और ये जो रिंग्स है ध्यान दें, लिटिल रिंग, बताइए लार्ज रिंग, लिटिल रिंग, लिटिल रिंग, और सबको पता होगा आर्थ्रोपोडा, ये वो फाइलम है जिसके मेंबर हवा में उड़े, ये वो फाइलम है जिसके मेंबर बताओ कहां उड़े, हवा में। और इसमें सबसे बड़ी बात, एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, क्यूटिकल, और आर्थो बना होता है जॉइंटेड, पोडा माने अपेंडे, तो एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल का बना है और इनमें जॉइंटेड अपेंडेज है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बताएं, ये वो फाइलम है जिसमें रेस्पिरेशन बाय ऑल मींस, एक्सक्रीशन बाय ऑल मींस, कई तरीके हैं, आप देखेंगे गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम से रेस्पिरेशन होता है, मार्टेशियन ट्यूब्यूल, कोक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ये सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है आर्थ्रोपोडा की। ये वही आर्थ्रोपोडा है जो लार्जेस्ट फाइलम है, ओवर 2/3 मेंबर जो है इसके पाए जाते हैं। इसी में एक स्ट्रक्चर है स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है आर्थ्रोपोडा में, हम एक एक करके फाइलम अभी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे मोलस्का, नीट 2021 के लिए, इस साल के लिए मोलस्का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखिएगा। इसमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला है, पूछेगा रेडुला कहां है, क्या बोलोगे, मोलस्का। इसमें याद रखिएगा, मोलस्का में ये मोलस्का ओविपेरस होते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, पता है लार्जेस्ट है कि सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, मोलस्का, कौन सा भाई, मोलस्का, याद रखिएगा। जबकि इकाइनोडर्मेटा में आप देखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, पानी जानी चाहिए बाइलेटरल लेकिन रेडियल, और रेडियल कितने लेवल पे, 5 लेवल पे, तो पेंटामेरस रेडियल पाई जाती है। और याद रखिएगा, किसी भी एग्जामिनर को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हेवी क्वाड्रेटा से सवाल बनाना, जो हेवी क्वाड्रेटा होता है, पहले इसको हम क्वाड्रेटा के अंदर मानते थे, क्यों, क्योंकि इसमें हम जिसको नोटोकॉर्ड समझते थे वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो स्टोमोकॉर्ड था, जिसको बक्कल डायवर्टिकुलम बोलते हैं। बाद में पता चला कि ये जो नोटोकॉर्ड है, याद रखिएगा, जो नोटोकॉर्ड है वो है ही नहीं, वो स्टोमोकॉर्ड है, तो हेवी क्वाड्रेटा को क्वाड्रेटा से निकाल बाहर किए। ये वॉर्म लाइक है, मरीन एनिमल है, स्मॉल ग्रुप है, इसमें एक्सक्रीशन किससे होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है भाई, प्रोबोसिस ग्लैंड, और रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल्स,
इसका लार्वा है टोर्नारिया लार्वा। कौन सा लार्वा है? टोर्नारिया। सबसे बड़ी बात, ये वॉर्म लाइक है और इसमें प्रोबोसिस है, कॉलर है और क्या है? ट्रंक है। और कार्डेटा जिसमें हम लोग बिलोंग करते हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट पाया जाता है, या तो लिम्स होंगे या फिन्स होंगे, काहे लिए होंगे? लोको मोशन के लिए होंगे, ये समझ लीजिएगा। अब सुनिए, अब एनसीईआरटी में कौन कौन सी लाइन कितना जरूरी है उसको पूरा फाइल में घूम के देख लेते हैं, एक एक लाइन करके। अब शांति से पूरा सुन ले, अब हम जरा कमेंट सेक्शन में पूछ ले जो आपको पढ़ाए हैं, जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। चलिए सब लोग एक्टिव हो जाइए टाइपिंग पे, तुरंत तुरंत जवाब देंगे। फाइलम का नाम एक जनरल ओवरव्यू दे दिया हूं मैं। चलिए वो कौन कौन से फाइलम है, वो कौन कौन से फाइलम है जरा बताइए, वो कौन कौन से फाइलम है जहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जवाई बताइए, टाइप करने में टाइम लग रहा है, जल्दी टाइप करिए। वेरी गुड स्वाति, एनालिडा सिफेलोपोडा और कॉर्डेटा, वेरी गुड, एनालिडा सिफेलोपोडा और कॉर्डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा फाइलम है, वह कौन सा फाइलम है जिसमें कॉम्ब प्लेट है, आरती कटियार, एनालिडा सिफेलोपोडा कॉर्डेटा, गुड, ऋत्विक कॉम्ब प्लेट, गलत हो गया ऋत्विक कुमार सिंह, प्लेटी अल्बिंथस नहीं है, टीनोफोरा, स्वाति वाट पे आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, उमेश शर्मा, अनुज कुशवाहा, टीनोफोरा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा फाइलम है, वो कौन सा फाइलम है जिसके अंदर, जिसके अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड है, रितेश यादव, वेरी गुड, हेमी कॉर्डेटा, उमेश शर्मा, हेमी कॉर्डेटा, आर मुस्कान, इकाइनोड्रम गलत हो गया बेटा, स्वाति हेमी कॉर्डेटा, अनुज हेमी, ऋत्विक हेमी, गुड। अच्छा अब एक एक करके थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं, अब अपने एकदम दिमाग शांत कर लीजिए, अब एनसीईआरटी के कौन से लाइन से क्या पूछा जा सकता है वो हम आपको एक बार करा देते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहां से आपको यह बताया गया है कि जब तुम चारों ओर देखोगे तो नाना प्रकार के जीव जंतु दिखाई देंगे, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है उसको समझ पाना समझा पाना नामुमकिन है, इसीलिए जरूरी है कि क्लासिफिकेशन किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, जिससे नए खोजे जाने वाले ऑर्गेनिज्म को उनके सही ग्रुप में भेजा जाए, ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहां से जो पूछेगा कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, याद रखिएगा यहां पे जो आपको ध्यान रखना है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये चार बेसिस जो आपको पढ़ाए थे, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जो आपको पढ़ाया अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, देखिए आपको हमने क्या, ये देखिए इस लाइन पे जो आपको जानना है नीट के लिए वो क्या जानना है, ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, दूसरा जानना है बॉडी सिमेट्री, तीसरा जानना है नेचर ऑफ सिलोम, चौथा जानना है पैटर्न ऑफ सिस्टम्स, चाहे डाइजेस्टिव चाहे सर्कुलेटरी चाहे रिप्रोडक्टिव, इट्स बेटर टू से क्या पैटर्न ऑफ सिस्टम्स बोल दो सीधे, सिस्टम्स में कौन, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव, है ना। उसके बाद लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो एक ध्यान रखना, लूज सेल एग्रीगेट, ये देखो लूज सेल एग्रीगेट, ये पोरीफेरा में पाया जाता है। और यहां पे एक लाइन और ध्यान रखना कि अगर कोई लाइन ऑल से शुरू हो रही है तो ऑल से स्टार्ट होने वाले जितने भी लाइन होते हैं उनको एक्सट्रीम सेंटेंस कहते हैं, और एक्सट्रीम सेंटेंसेस जनरली गलत होते हैं, बट जो एक्सट्रीम सेंटेंसेस सही हैं वो हर बच्चे को याद होना चाहिए। जैसे ये देखो क्या है, ऑल मेंबर ऑफ एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर, इस लाइन को ध्यान दीजिए, एक्सट्रीम सेंटेंस है, ऑल मेंबर ऑफ एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर, एनिमिलिया के जो ज्यादातर मेंबर है वो कैसे हैं, मल्टीसेलुलर, पॉलीफेरा लेवल प्रोडक्शन क्या है, सेलुलर, इसी को बोलते हैं लूज सेल एग्रीगेट। और हमने कहा था कि लूज सेल एग्रीगेट को हम रिपब्लिक ऑफ सेल बोलते हैं, बता बेटा क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ सेल, लूज सेल एग्रीगेट बोलते रिपब्लिक ऑफ सेल। फिर सिलेंटेटा में आप चले जाइए, टिश्यू लेवल है, और प्लेटी, कहा प्लेटी में चले जाइए, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है,
एसकर विंध्य से लेके क्वाड्रेंटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, यही सब समझाया है। और आपको जो ट्रिक दिए थे जेब्रा जाइगोमॉर्फिक या बायोलिटरल, क्या दिए थे देखिए, जाइगोमॉर्फिक या बायोलिटरल, ये देखिए रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री को मतलब दो, किसी बॉडी को दो बराबर भागों में बांटेंगे बट मोर देन वन प्लेन। इसी रेडियल का दूसरा नाम है क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। और ये देखिए बायोलेटरल, सिर्फ एक प्लेन पे बांट रहे हैं, बायोलेटरल है जाइगोमॉर्फिक। तो आप देख चुके हैं पोरिफेरा में सिमेट्री क्या है, वेरियस। सिलेंटेटा और टीनोपोरा में क्या है बेटा, रेडियल। और प्लेटी से लेकर कार्डेटा तक बाइलेटरल, दो जगह चेंज हुई है। मलस्का के गैस्ट्रोपोडा में क्या हुआ था, टॉर्सन और सिमेट्रिकल हो गया। और इकाइनोडर्मेटा में क्या था, लार्वा में बाइलेटरल, एडल्ट में क्या हो गया, रेडियल। ये सिमेट्री खत्म हो गया। उसके पैटर्न ऑफ सिस्टम में बात करें तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पोरिफेरा में है ही नहीं, सिलेंटेटा टीनोपोरा प्लेटी में क्या है, इनकम्प्लीट। और एस केलमिथस से लेकर कार्डेटा तक क्या है, कंप्लीट। उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम मान लो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर है, समझ रहे हो, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, तो क्लोज है। अगर नहीं है तो क्या है, ओपन। ज्यादातर में ओपन होता है, सिर्फ तीन जगह क्लोज होता है, एनेलिडा, सिफेलोपोडा, मलस्का और क्वाडेटा। ये आपका दे दिया सिस्टम, ये सिमेट्री भी आपकी हो गई खत्म। अब हम जा रहे हैं पढ़ाने जर्म लेयर के बारे में। ये समझिए, देखिए इसको जरा ध्यान से समझिए, इस फिगर को, इस फिगर को ध्यान से समझिए। अब हम जा रहे हैं ये टॉपिक पढ़ने, सिमेट्री यहां कवर कर लिया हमने, अब यहां पे हम ये समझने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें हम कह रहे हैं कि जब भी जायगोट बनता है तो जायगोट में जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, इसको खूब ध्यान से समझिए बेटा, यही समझने वाला है। जायगोट में जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो उस समय सबसे पहले जो बनता है वो एक्टोडर्म बनता है। इस एक्टोडर्म को हम बॉडी वॉल कहते हैं, बॉडी वॉल। एक्टोडर्म का मतलब बॉडी वॉल। उसके बाद आप देखेंगे जायगोट में जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो पहले भाई तुमको याद है ना, जब इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ, यूट्रस में, तो बाहर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, अंदर क्या है, इनर सेल मास। उस इनर सेल मास में क्या है, स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती है, टोटिपोटेंट। जब स्टेम सेल डिवाइड करेगी तो पहला जर्म लेयर जो बनता है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म का दूसरा नाम क्या है, बॉडी वॉल। बताओ बेटा एक्टोडर्म का दूसरा नाम क्या है, बॉडी वॉल। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड जर्म लेयर जिसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, और इसी को हम लोग गट वॉल बोलते हैं, गट वॉल। यदि एक्टोडर्म क्या है, बॉडी वॉल, एंडोडर्म क्या है, गट वॉल। याद रखिएगा पोरिफेरा में एक्टोडर्म और एंडोडर्म को चिपकाने के लिए मेसोहायल था, एक लेयर है मेसोहायल, HYAL, मेसोहायल। मेसोहायल इज गोइंग टू सीमेंट द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इन पोरिफेरा। और सिलेंड्रेटा में इस मेसोहायल के जगह पे मेसोग्लिया आ गई, मेसोग्लिया, मेसोग्लिया। लेकिन ये मेसोग्लिया जो थी सिलेंड्रेटा में वो नॉन सेलुलर थी, लेकिन अगर टीनोफोरा की बात करें तो ये जो मेसोग्लिया है वो सेलुलर हो गई। अब याद रखिएगा, याद रखिएगा टीनोफोरा के बाद प्लेटी से कार्डेटा तक ये थर्ड जर्म लेयर आया, क्या थर्ड जर्म लेयर, कहां दिया, मेसोडर्म। ये देखिए दिस इज थर्ड जर्म लेयर, थर्ड जर्म लेयर। तो फर्स्ट जर्म लेयर क्या है, एक्टोडर्म। सेकंड जर्म लेयर क्या है, एंडोडर्म। थर्ड जर्म लेयर क्या है, मेसोडर्म। याद रखिएगा, बट मेसोडर्म के आने से पहले क्या आया था, मेसोग्लिया। और मेसोग्लिया के आने से पहले क्या आया था, मेसोहायल। यानी पहले मेसोहायल, फिर नॉन सेलुलर मेसोग्लिया, फिर मेसोग्लिया, फिर मेसोडर्म आया। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है, जैसे हम कहें सिस्टम की बात करो, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टो एंडोडर्मल है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंडोडर्मल है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मेसोडर्मल है। बहुत डिटेल में जाओगे तो एंडो मेसोडर्मल है, यानी ये जो जर्म लेयर है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, यही हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे बॉडी के सिस्टम बनाते हैं और अल्टीमेटली कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ऐसा है कि
जो भी एक्टोडर्म, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मीजोडर्म नहीं होता है उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। पोरीफेरा सिलिकेटा टिनोपोरा ये डिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटी अर्बिंथिस से लेके कार्डेटा तक सबको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं क्योंकि वहां पे क्या आ गया, मीजोडर्म। पहली बार हेड का निर्माण कहां हुआ, प्लेटी अर्बिंथिस, याद रखिएगा, सिविलाइजेशन। और प्लेटी अर्बिंथिस में टिपिकली बाइफ्लेजेलेटेड स्पर्म देखा गया था। तो आपने देख लिया जर्म लेयर, पहचान लीजिएगा, फोटो स्कैन करके दे देगा, जो एक्टोडर्म होगा वो बाहर होगा, जो एंडोडर्म होगा अंदर होगा, और बीच में सीमेंट करने के लिए ये देखिए यहाँ पे मीजोग्लिया है, इसका मतलब है तो सिलेंटेटा होगा या टीनोफोरा होगा। सिलेंटेटा में ये मीजोग्लिया नॉन सेलुलर होगी, टीनोफोरा में ये सेलुलर हो जाएगी। और जबकि पोरीफेरा में इस मीजोग्लिया के जगह मीजो हायल होता है, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉन सेलुलर होता है, याद रखना। फिर बाद में इस मीजोग्लिया की जगह पे प्लेटी में क्या आ गया, मीजोडर्म, फिर कार्डेटा तक जाएगा। अब उसके बाद देखिए, आपने देख लिया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। अब हम आपको जा रहे हैं बताने सीलोम, क्या बताने जा रहे हैं, सीलोम, सीलोम, सीलोम। इसमें अगर आपसे सीधा सवाल पूछे, स्यूडो, जो नीट में पूछा जाएगा, स्यूडोसील पूछा जाएगा, ये जो स्यूडोसील है वो एस्केलेमिंथस में पाया जाता है। बताओ स्यूडोसील कहां पाया जाता है, एस्केलेमिंथस में। जरा समझ लो, बाहर क्या हो गया एक्टोडर्म, अंदर क्या हो गया एंडोडर्म। अगर अगर बॉडी वॉल क्या है, एक्टोडर्म, गट वॉल क्या है, एंडोडर्म। अगर बॉडी वॉल और गट वॉल दोनों की लाइनिंग है किसकी, मीजोडर्म से, तो उसको हम बोलेंगे सीलोम। जैसा कि आप पहला देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए बॉडी कैविटी नजर आ रही है, ये तो कैविटी है, ये पूरा कैविटी है, इसको बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम, ये जो देख रहे हैं आप, मिटा दें इसको, ये देखिए ये जो फोटो है ये सीलोम है। क्यों, क्योंकि इसमें ये देखो, ये आप जब कलर देखिएगा, कलर जरा दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है आपको, इस कलर को जरा ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये जो बना रहा हूं मैं, ये बॉडी वाल है ना, और ये अंदर वाला क्या है, गट वॉल। लेकिन इस बॉडी वाल की लाइनिंग यानी एक्टोडर्म की पूरी लाइनिंग, देखो एक्टोडर्म के अंदर, इस बात को ध्यान दो, कृपया ध्यान दें, यही वो जगह है जहां लोगों के सवाल गलत होंगे, पढ़ने वाले बच्चे गलत करेंगे। बॉडी वाल के अंदर, गट वाल के बाहर अगर लाइनिंग है मीजोडर्म की, तो उसको बोलेंगे सीलोम। सीलोम का मतलब क्या है, मीजोडर्म की एक ऐसी लाइनिंग जो बॉडी वॉल के अंदर है और गट वाल के बाहर है। कुछ सोचते हैं ये सीलोम है, अरे लुल्ल हो गया, ये सीलोम नहीं है, सीलोम ये है, ये है सीलोम। देखो जिसे उंगली से भर रहा हूं मैं, ये है सीलोम, समझो, मिटाओ इसको। देखो हमने क्या कहा, बॉडी वॉल माने एक्टोडर्म, गट वॉल माने एंडोडर्म। अरे बच्चों इस बात को समझो, बॉडी वॉल का क्या मतलब है, एक्टोडर्म, गट वॉल, एंडोडर्म। अगर बॉडी वॉल के अंदर और गट वॉल के बाहर कोई लाइनिंग है मीजोडर्म की, तो सीलोम है। और सीलोम याद रखिएगा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, सब में पाया जाता है। यानी आप देख रहे हो, ये अगर हम क्या बोले, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम को हम तीन भागों में बांट दिए, सीलोमेट और सीलोमेट और सीरोसीलोमेट, ये पकड़ लीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेगमेंटेशन की, किसकी बात करते हैं। अच्छा ये ध्यान से देख लो, ये देखो ये स्केटर्ड पाउचेस के रूप में है। अगर मीजोडर्म स्केटर्ड पाउचेस के रूप में है, मीजोडर्म स्केटर्ड पाउचेस के रूप में है, तो इसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। और स्यूडोसीलोमेट कहां पाया जाता है, एस्केलेमिंथस। उसके बाद जो आपको टॉपिक कराया था सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का ट्रिक याद रखना, ए स्क्वायर सी, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। हमने क्या बोला, ए स्क्वायर सी, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, जिसमें क्या पाया जाता है, सेगमेंटेशन। सबसे जरूरी नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल, और एक ऐसा होता है रॉड लाइक, याद रखिएगा। और ये कहां बनता है, डोर्सल साइड। बताइए नोटोकॉर्ड एक्टोडर्मल की, एंडोडर्मल की, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। कैसा है ये, रॉड लाइक, और किस साइड में है, डोर्सल साइड। कौन सा साइड है भाई,
डोर्सल साइड। अगर नोटोकॉर्ड है तो बोलेंगे कॉर्डेट, और नोटोकॉर्ड नहीं है तो हम क्या बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। यानी नोटोकॉर्ड के आधार पे हम एनिमल किंगडम को दो भागों में बांट दिए, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। अगर नोटोकॉर्ड है तो हम क्या बोलेंगे कॉर्डेट, अगर नहीं है तो नॉन कॉर्डेट। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जो हमने पीछे टेबल में कराए थे, आपको ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसका, देखिए जरा ध्यान से, देखिए विजिबल है जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, साइज विजिबल है। छोटा लग रहा है ना, चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं अभी। ये ऐसे होगा, रुक जाओ, ये देखिए ध्यान से, जितने भी एनिमिलिया के मेंबर हैं सब मल्टीसेलुलर हैं, याद रखिए जितने भी एनिमिलिया के मेंबर हैं सब मल्टीसेलुलर हैं। यहां पे एक चीज समझिए, पहले पोरीफेरा को हम एनिमिलिया का मेंबर मानते थे, बाद में पोरीफेरा को एनिमिलिया से निकाल बाहर किए, सॉरी प्रोटोजोआ को, पहले हम प्रोटोजोआ को हम एनिमिलिया का मेंबर मानते थे, और प्रोटोजोआ क्या था यूनिसेलुलर था, और एनिमिलिया के सारे मेंबर कैसे होने चाहिए मल्टीसेलुलर, कोई एनिमिलिया का मेंबर यूनिसेलुलर हो ही नहीं सकता। अगर एनिमिलिया का मेंबर अगर यूनिसेलुलर है तो उसको किंगडम से निकाल बाहर किए, उसको एक सेपरेट किंगडम दिया जिसको हम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। हालांकि प्रोटिस्टा इज अ लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल और फंजाई, प्लांट एनिमल फंजाई तीनों का लिंक है। देखिए पोरीफेरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेलुलर लेवल है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आप देखिएगा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ये क्या है बेटा टिश्यू, लेकिन सिमेट्री कौन सी है रेडियल, रेडियल। जबकि आप देखो प्लेटी हेलमिंथिस, इसको हम ऑसिलोमेट बोलते हैं, ऑसिलोमेट यानी जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म ठूस ठूस के भरा है, कोई बॉडी कैविटी नहीं है। जबकि अगर स्केटर्ड पाउचेस के रूप में है तो इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। ये कौन सा फाइलम भाई, एस्केलेमिंथिस। और याद रखिएगा कि जितने भी बाइलेटरल सिमेट्री वाले मेंबर हैं उन्हीं में हम सिलोम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। देख रहे हो, ये देखो ऑसिलोमेट या स्यूडोसिलोमेट या सिलोमेट, ऑसिलोमेट प्लेटी हेलमिंथिस, स्यूडोसिलोमेट एस्केलेमिंथिस, और सिलोमेट में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपसे बात करें, ये देखिए पोरीफेरा, पोरीफेरा जिसको पोर बियरिंग एनिमल कहते हैं, इसकी पूरी बॉडी देखिए आप खुद कितने पोर हैं इसमें, ये एक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल कलर रंगीन दुनिया है, समुद्र के नीचे रहती है। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज। इसके जो मेंबर होते हैं कॉमनली नोन है स्पॉन्ज, इसके जो मेंबर है ओके कॉमनली क्या बोलते हैं स्पॉन्ज, कॉमनली नोन है स्पॉन्ज। ये जनरली क्या होते हैं मरीन, जनरली मरीन। मोस्टली क्या है असिमेट्रिकल, ज्यादातर इनमें सिमेट्री नहीं है, इसीलिए पोरीफेरा में वेरियस सिमेट्री बोल रहा था। और सुनो ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल, पूछेगा प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल कौन, पोरीफेरा। जनरली क्या है ये बोलो भैया, जनरली मरीन, जनरली मरीन। एक ट्रिक याद रखना, अगर पूछे मरीन, अगर पूछे मरीन
इकाइनोडर्मेटा मोस्टली मरीन सीलेंट्रेटा सीलेंट्रेटा एक्सक्लूसिवली मरीन टीनोफोरा एंड प्रोटोकार्डेटा टीनोफोरा एंड कॉर्डेटा ठीक है। तो पोरीफेरा को कॉमनली क्या बोलते भाई स्पंज, जनरली क्या है मरीन, मोस्टली कैसे होते हैं ये असिमेट्रिकल प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है, इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेलुलर लेवल है। स्पॉन्ज में वाटर कैनाल सिस्टम, जो वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम याद रखिएगा। और पानी इनके बॉडी में जो छोटे छोटे छेद है उसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया है बहुवचन है, एक होता तो ऑस्टियम होता ठीक है। और इसके बॉडी के जो अंदर वाली कैविटी है वो क्या है स्पॉन्जियोसीन, और जहां से पानी निकलता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, क्या बोलते हैं ऑस्कुलम। और पूछेगा जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसके कितने काम है तीन, कितने काम है तीन, ये देखो फूड गैदरिंग, पहला काम क्या है फूड गैदरिंग, दूसरा क्या है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब जो उसको भूख लगेगी तो भोजन इकट्ठा करेगा कौन इसके अंदर जो पानी जा रहा है वाटर कैनाल सिस्टम लेके जा रहा है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल सेल होती है क्वेनोसाइट सेल जिसको बोलते हैं कॉलर सेल, वो उसके बीटिंग से पानी इनकी बॉडी में अंदर जाता है, जब इनको भूख ज्यादा लगती है तो इनका क्वेनोसाइट सेल ज्यादा बीट करने लगता है, ज्यादा बीटिंग से पानी अंदर जाएगी तो उसमें फूड भी जाएगा। तो एक तरह से देखो तो वाटर कैनाल सिस्टम फूड गैदरिंग कर रहा है, दूसरा जो भी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ये यूज करते हैं, और इनमें मेटाबॉलिज्म में जो CO2 निकला है उसको जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूज करते हैं, तो पानी के ही रास्ते बाहर निकल जाएगा, क्योंकि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो याद रखना 20 से 25 गुनी ज्यादा होती है कंपेयर टू क्या ऑक्सीजन, फिजियोलॉजी में तुमने देखा था। और जो तीसरा काम है गंदगी को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्या रिमूव करते भाई रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब आ जाओ पोरीफेरा की बिल्कुल जबरदस्त सेल जो सिर्फ यही पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्वेनोसाइट सेल याद रखना, इसी को बोलते हैं कॉलर सेल, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं कॉलर सेल, क्वेनोसाइट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं कॉलर सेल। ये लाइन करती है किसको स्पॉन्जियोसील, आप देखना ये स्पॉन्जियोसील को लाइन करेगी, स्पॉन्जियोसील क्या है कैविटी। चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए स्पॉन्जियोसील का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ स्पॉन्जियोसील, अरे यार बच्चों मैं कल लाइव आऊंगा नोटिफिकेशन दे दूंगा, कुछ यूट्यूब में गड़बड़ी हो गई, टुमारो आई विल बी लाइव, और सिर्फ आवाज आ रही, कब से चल रहा है यार, वेरी गुड पैरागैस्ट्रिक कैविटी। चलो बच्चों आप लोग मेहनत कर रहे हो, हम लोग कल लाइव आएंगे और कल की जो टाइमिंग होगी मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे कल पोस्ट कर दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में ही आएंगे कल लाइव, ठीक है।